हाँ तो बच्चों, कैपेसिटेंस में लास्ट टॉपिक एक है अपने पास, एनर्जी डेंसिटी। इसे हम वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटेंस में भी ये टॉपिक है। पहले एनर्जी डेंसिटी एक कैपेसिटर की होती क्या है वो समझ लो। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये इसकी दो प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, एक प्लेट यहाँ होती है, एक पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब होता क्या बच्चों कि इस वाले पार्ट में, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इस बीच वाले पार्ट में एक एनर्जी होती है जिसे हम यू बोलते हैं, हमने निकाली भी थी, जिसकी वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। वैसे इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, पर एनर्जी का एक फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये एनर्जी का होती है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर इस टोटल एनर्जी में आप डिवाइड कर दें हम इसके वॉल्यूम को, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का टोटल वॉल्यूम है, अब वो वॉल्यूम कितना है वो समझो। ये जो एरिया है वो तो हो गया ए, और ये डिस्टेंस हो गई डी। तो एरिया में जब भी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये बीच का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम इधर का जिसमें ये एनर्जी स्टोर है। तो ए इंटू डी अगर हम कर देते हैं तो ये वॉल्यूम आ गया एनर्जी, टोटल एनर्जी। ऊपर क्या है, टोटल एनर्जी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, टोटल डिस्टेंस ना सॉरी टोटल वॉल्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो अगर टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे देन वी गेट एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना है और इसी को कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनाना है आपको। क्लियर है कहानी इतनी? तो इसको बनाने के लिए, अच्छा इसकी यूनिट अगर ऐसा यूनिट पूछे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जूल पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशंस पूछी जाए तो डायमेंशंस में जूल का तो हो जाएगा m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाई l3। तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-2 जिसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऐसा यूनिट कभी कभी या तो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये निकालना पड़ता है। अब हम इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लिए इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। देखो ध्यान से, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब टोटल एनर्जी हमने पढ़ी है पहले, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो U इज इक्वल टू, अच्छा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी है, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब सबसे पहले Q और C, इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है Q एंड C, तो Q और C का फॉर्मूला निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होता है Q अपॉन A। तो यहां से अगर मैं Q निकालता हूं देन वी गेट एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू। क्लियर है? पहले क्यू निकाला मैंने, ये वाला क्यू। तो क्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है, तो यहां से क्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। अब मैं सी बताता हूं, एंड सी, सी तो आपको बताइए कैपेसिटर के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इक्वेशन, तो पुट Q एंड C इन इक्वेशन 2। अब मैं 2 में Q और C की वैल्यू डालता हूं, तो कैपिटल U इज इक्वल टू, सबसे पहले Q का स्क्वायर, मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो 2 और ये C कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, तो U हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए और डी। क्लियर है कहानी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए और डी, ए और डी को अपॉन में ले लेंगे, यू अपॉन ए डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो इधर, यूज फर्स्ट इक्वेशन, यू अपॉन ए डी इज इक्वल टू स्मॉल यू, यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन 1। तो आपके पास इसकी वैल्यू यू स्मॉल यू आ जाएगी जो कि एनर्जी डेंसिटी है,
तो एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया आपके पास 1/2 ε₀ E² इस तरीके से आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हो इजी वे में। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी जो भी प्लेट्स के बीच में टोटल एनर्जी होती है वो, डिवाइडेड बाय जो प्लेट्स के बीच का टोटल वॉल्यूम है वो, यू अपॉन एडी। अब यू की वैल्यू हमें पता है पिछले केसेस में पढ़ी Q² / 2C, इसमें हम क्यू और सी का फॉर्मूला इस प्रकार निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे और इसमें से ए इंटू डी जो आएगा इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये यू हो जाएगा एनर्जी, ए इंटू डी हो जाता है इसका वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाती है? एनर्जी डेंसिटी विच इज 1/2 ε₀ E²। तो एक छोटा सा टॉपिक और अच्छा टॉपिक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं उसको और देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल कहता है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। अब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लेब इसमें इंसर्ट करा देते हैं। देखो ये गई अंदर, ठीक है? ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका दे रखा है K, इसकी एक स्लेब हमने इसके अंदर डाल दी। अब ये पूरी फुल नहीं भरी, इसकी थिकनेस बता रखी है हमें, जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डाला है के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, वो 3/4 D थिकनेस का है। कितनी थिकनेस का है? 3/4 D। अब हमसे इस पूरे स्ट्रक्चर की कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी फॉर दिस कैपेसिटर? तो ये न्यूमेरिकल है। अब इसको कैसे करोगे? वही ऑर्डर ई वी सी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पीपीसी की कैपेसिटी निकालने के लिए, पहले ई निकालते हैं फिर वी निकालते हैं फिर सी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ई की बात करो, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये मान लिया कि जो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस इज E नॉट। फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसको क्या मान लिया? E नॉट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, जहां जहां मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E। देखो जहां मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और जहां फ्री स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट। यहां पे E नॉट होगा और यहां पे क्या होगा? E। और E जो होता है वो E नॉट अपॉन एप्साइलन आर होता है। अभी एप्साइलन आर जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो हमें K दे रखा है, तो हम यहाँ K भी लिख सकते हैं। जो भी दे रखा हो, एप्साइलन आर अगर दे रखा है तो एप्साइलन आर लिख दो, K दे रखा है तो K लिख दो। तो एक तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, एक E नॉट का भी याद रखना। E नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, जिसको हम Q अपॉन A एप्साइलन नॉट लिख देते हैं। ये दो इक्वेशन यहां पर याद रखना। तो ये ओवरऑल जो मैंने बताया, ये ई की बात कर ली मैंने कंप्लीट। तो ई में मुझे कुछ नहीं करना ज्यादा, बस मुझे ये बताना है कि जहां जहां फ्री स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जहां पर मीडियम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इनके बीच का रिलेशन मुझे बताना है। ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन के, और मुझे ई नॉट की वैल्यू पता ही है, ये जो मैंने पीपीसी की कैपेसिटी जब निकाली थी तब मैंने इसको लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मैंने क्यू अपॉन ए लिख दिया है। तो पहला काम मेरा कंप्लीट, ई कंप्लीट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ये फाइंड करना है। तो बच्चों जब अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्री स्पेस में भी फाइंड होगा और मीडियम में भी फाइंड होगा। ऐसे होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री स्पेस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम, दोनों जगह पर ये फाइंड होगा, फ्री स्पेस में भी और मीडियम में भी। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
ये हमें पहले से पता है, ये हमने पीपीसी की कैपेसिटी में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री स्पेस निकालना चाहता हूं विद द यूज ऑफ दिस फार्मूला, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पर कौन सा है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई नॉट। ई नॉट हो गया, दिस इज द डिस्टेंस। अब फ्री स्पेस की डिस्टेंस देखो टोटल कितनी है? डी। ये कितनी है? मीडियम कितना है? 3/4 डी। तो फ्री स्पेस कितना होगा? टोटल डी में से मीडियम की डिस्टेंस को माइनस कर दो तो जो बचेगी, भाई टोटल डिस्टेंस है डी, मीडियम कितने अंदर, कितने डिस्टेंस पर है? 3/4 डी पर। तो फ्री स्पेस कितने पे बचा? d/4 पर। तो यहां पर केवल फ्री स्पेस की डिस्टेंस हमें लिखनी है। तो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, फ्री स्पेस की लिख दो डिस्टेंस प्लस। अब आ जाओ मीडियम, अब मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो E और मीडियम की डिस्टेंस लिखो 3/4 डी। जितने डिस्टेंस में मीडियम है वो है 3/4 डी। अब इस E की वैल्यू भी डाल दो, E नॉट d/4 प्लस E की वैल्यू डाल दो E नॉट / K 3/4 डी। क्लियर है? अब आप क्या करो, E नॉट और डी ये ले लो कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 प्लस यहां पर आ जाएगा 3/4 K। ठीक है, ई नॉट इंटू डी मैंने कॉमन ले लिया है और अंदर 1/4 प्लस 3/4 K बच गया है। तो ई का काम हो गया, बी भी लगभग लगभग हो चुका है, ई को थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, देखो कैसे। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E नॉट इनटू D, यहां पर मैं LCM ले लेता हूं जो कि आ जाएगा 4K और 4K आ गया, यहां K प्लस 3 बचेगा ऊपर, K प्लस 3। अब E नॉट को Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट रख देंगे यहां, तो V हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D K प्लस 3 अपॉन 4K। लो भाई आपका V का भी काम हो चुका है। तो V निकालने के लिए आपने देखा कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहां पे कुछ जगह पर फ्री स्पेस भी है, कुछ जगह पर मीडियम भी है, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। फ्री स्पेस का भी निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और मीडियम का भी, दोनों को ऐड कर देंगे और उसको फिर इस तरीके से सॉल्व करके यहां तक आ गए हम। अब हमारे पास V आ चुका है एंड नाउ वी विल फाइंड C। अब हम C फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला आपको बताइए, q अपॉन v, और ये v की वैल्यू यहां से डाल दो, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d k प्लस 3 अपॉन 4k। q से q कट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और ये 4k अपॉन k प्लस 3, ये आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी इस पूरे की। तो इस तरीके से आपको बच्चों हो सकता है कोई और डिस्टेंस भी दे दे, अभी मैंने 3/4 डी लिया, आप d/4 ले लेना इसको और फ्री स्पेस 3/4 डी ले लेना। तो इसमें कोई सी भी डिस्टेंस लेके आपका तरीका यही रहेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, एक फ्री स्पेस का ई नॉट और एक मीडियम का ई, फिर वी निकालो, वी दोनों जगह निकाल के फ्री स्पेस में भी निकालो मीडियम में भी निकालो, दोनों को ऐड कर दो और फिर उसको सॉल्व करके लाओ इस तरीके से, और फिर लास्ट में ये वैल्यू डाल दो ई नॉट की। ठीक है, फिर आप कैपेसिटी निकालो Q अपॉन V, इसमें V की वैल्यू डाल दो, Q से Q कट कर दो और इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आपके पास पूरा ओवरऑल फॉर्मूला। यहाँ पर आप चाहो तो इसको C नॉट लिख सकते हो, तो अगर इसको आप C नॉट लिख देते हो तो ये भी आ जाएगा C नॉट 4K अपॉन K प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। ये चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट है, अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा अपना इलेक्ट्रिक करेंट।